देखो भाई, पहली वाली जो उसके नाम, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ऐसे पकड़ना है, जैसे पकड़ना है पकड़ो भाई। कोई आपको मैं नहीं फोर्स कर रहा कि आप ऐसे पकड़ो भाई, जैसा आपके हाथ में बैठ रहा है वैसे पकड़ो, सही है ना। इट डिपेंड ऑन योर हैंड्स फ्लेक्सिबिलिटी, सही है ना। यहाँ ऐसे पकड़ो जैसे पकड़ना है, लेकिन ऐसे होनी चाहिए बॉल की डायरेक्शन। आप इसको एक उंगली से पकड़ो, एक उंगली से क्यों ना पकड़ो, इस उंगली से क्यों ना पकड़ो, जैसे आपके हाथ में बैठे। देखो वहाँ तक मेन मकसद क्या है, बॉल को वहाँ तक पहुँचना मकसद। जैसे कि आपने आला यहीं से नीचे गिर गई, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तो मैं आपको बता दूँ, आपने ऐसे पकड़ लिया, अब इसका तरीका क्या है। जैसे आप लड्डू घुमाते हो, लड्डू तो मतलब हर किसी को घुमाना आता है, ऐसे करके किसी चीज़ को नीचे करके घुमाते हो ना लड्डू को। और मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप लड्डू को इस तरह करके घुमाते हो ना, अपने हाथ को इस तरह करके, बस इसी तरह आपने घुमाना है। लेकिन चेंज क्या है, जो आपका जैसे नीचे होता है ना हाथ डायरेक्शन, ये ऊपर होना चाहिए। आपने बॉल को हवा में इस तरह करके घुमाना है और फिर ये स्पिन होगा। अब इससे होगा क्या, जब बॉल घूमेगा टिप्पा खाएगा बिल्कुल अंदर की तरफ, सही है ना, बिल्कुल अंदर की तरफ कटेगा ये बॉल। और इसकी ख़ास बात पता है क्या, बॉल में स्लो आएगा, बंदे को लगेगा बॉल बहुत स्लो आ रहा है, लेकिन जब वो स्पिन होगा ना तो वो बॉल तेज़ हो जाएगा। ये आप ट्राई करना, ये बहुत ही मतलब मैंने खुद ने बनाई, ये मैंने कहीं से देखी नहीं, और ये बहुत काम की ट्रिक है। मैं करता भी मैं इसको बोलता हूँ रिवर्स पे, मेरे को ये वो लगता है, चूँकि रिवर्स स्विंग में क्या होता है, बॉल टिप्पा खाता है और अंदर की तरफ तेज़ी से जाता है ना, इसी के अंदर ये क्या करता है, बॉल घूमते और अंदर की तरफ बहुत तेज़ी से जाता है। तो ये था हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका भी बहुत थोड़ा सा मुश्किल है, उसको हाथ में प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है, वरना ये इतना आसान नहीं है। लेकिन जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये तरीका ही बहुत सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है, मैं बता ना, बहुत अच्छा तरीका है। जब भी मुझे प्लेयर को कंफ्यूज करना होता है ना, मैं दो तीन बॉल उसको इस तरह करके डालता हूँ, और फिर तीसरी या चौथी बॉल में मैं उसको इस तरह करके ना कन्फ्यूज़ कर देता हूँ। आपने करना क्या है, इसके अंदर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने देखो, आप मैं दिखा दूँ क्लियरली आपने किस तरह पकड़ना है, अंगूठे और आपने अपनी फर्स्ट फिंगर के अंदर इसको दबा देना है। आपने करना क्या है, इस तरह जब आप बॉल को फेंकोगे ना, तो आपने बॉल को इस तरफ करना है। इससे क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि बॉल यहीं चला जाएगा, इससे क्या होगा, बॉल पहले टिप्पा खाएगा, बॉल पहले बाउंस करेगा और उसके बाद बिल्कुल ऐसे चला जाएगा, सही है ना, बिल्कुल ऐसे। इसीलिए इसका सबसे बेहतरीन जो तरीका है ना, वो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। पहले दो तीन नॉर्मल स्पिन डाल के, जिसके अंदर बॉल अंदर की तरफ जाता है, वो उसी के अंदर फ्लो में होता है कि मैं उस तरह खेलूँगा, और मैं बाहर बॉल करके वो बॉल मिस हो जाता है या तो गिर करता है। आप बोलोगे बीच में इसको हम बाउंस कर रहे हैं, फिर इधर चलेगा तो ये स्टम्प्स तो मिस कर जाएगा, हाँ बल्ले वो बॉल मिस कर देगा पर ये स्टम्प मिस कर जाएगा। तो इसकी सबसे बेहतरीन ट्रिक पता क्या, आपने अगर बैट्समैन राइट ही खेल रहा है ना, तो आपने उसके बिल्कुल लेफ्ट से बॉल डालनी है, ताकि वो समझे कि भाई बॉल वाइड जा रहा है, वो छोड़ दे और बॉल बिल्कुल टिप्पा खा के विकटों की तरफ अंदर चले जाए। ये भाई आप मैंने किया है, और आप यकीन नहीं मानोगे कि ये सच में काम करता है। तो मेरा फिर मैं एक बार आपको फिर दिखा दूँ इस तरह, सही है ना। तीसरी ट्रिक है जो बहुत कॉमन है और काम भी करती है, वो ये है कि आपने ना बॉल को इस तरह पकड़ना है और अपनी फिंगर्स में प्रेशर देना है और उसको स्पिन करना है। इससे मतलब एक तरह से बहुत अच्छी गूगली हो जाती है, सही है ना। तो ये चीज़ आपकी सबसे कॉमन कह सकते हैं मैं, ये कॉमन है बहुत, और ये बहुत सारे लोग करते हैं, और ये मतलब बहुत इफ़ेक्टिव है। मतलब ये कोई मतलब इतनी यूनिक नहीं है, लेकिन बेहतरीन बॉलिंग है। इससे मतलब बहुत बंदा कन्फ्यूज हो जाता है, जब ये आपसे बॉल सही हो जाए तो सामने वाला बंदा कन्फर्म कन्फ्यूज हो जाता है, और वो बहुत औकात बोल्ड भी हो जाता है अगर आपकी बॉल प्रॉपर लेंथ पर, चूँकि गूगली इज दी की जिसमें अच्छे से अच्छे बंदा है ना मिस कर जाता है, सही है ना। तो आपको उसको बता देता हूँ कि मैं आपको है ना इस तरफ ऐसे उल्टे हाथ ऐसे पीछे की तरफ पकड़ना है आपने, और आपने ऐसे तरह के बॉल को इस तरफ आपने पुश करना है, सही है ना। दूसरा आखिरी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है, वो है चुटकी वाला। चुटकी तो आपने किसी ने सुने होगा ना, ऐसे करके चुटकी बजाता है, इसी तरह बॉल को पकड़ना है और अपनी फिंगर्स में आपने एक तरह से चुटकी बजानी है। इससे क्या होगा, बॉल घूमेगा नॉर्मली, आपको पता है भाई आप किसी भी चीज़ को चुटकी बजाओ तो वो चीज़ घूमती है,
आप खुद ही अगर आप इमेजिन करो, और अगर मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, मैं आपको अगर आप बॉल नहीं है आप छोड़ दो, मैं आपको खाली इमेजिन करने का बोलूँ कि अगर मेरे हाथ में ये है और मैं चुटकी बजाऊँगा, तो यार ऑफकोर्स आप समझ जाओगे कि हाँ भाई बॉल स्पिन होगा, सही है ना। तो ये आखिरी चुटकी, आप मैं आपको नहीं बोलता आप किस उंगली से इससे चुटकी बजाओ, पहले वाले की तरह इससे बजाओ, इन दो अंगूठे से बजाओ, इससे तो खैर मुश्किल होती है लेकिन फिर भी कुछ लोग फिंगर स्ट्रॉन्ग होती है तो आप इससे बजाओ, है ना भाई, ये इट्स डिपेंड ऑन यू। तो गाइस ये थे कुछ मैंने तकरीबन 4 से 5 तरीके आपको बताएं, तो होप्स हो कि आपको समझ आ गए होंगे, और आप इसको मतलब मैं आपको नहीं कहता कि आप डालोगे पहली बारी में ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता करके जब ये आपके हाथ पे बैठ जाएंगे ना, फिर आप एक ओवर के अंदर ये डाल लोगे, एक दिए डाल लोगे, और आपकी वेरिएशन इतनी आ गई होगी ना कि फिर एक आहिस्ता ऐसा करके आप अच्छे स्पिन बॉलर बन जाओगे।